धर्म पुराण द एसेंस ऑफ इंडिया, अध्यात्म संस्कृति संस्कार जीवन का आधार। ज्ञानियों और बलशालियों में अग्रणी हनुमान जी महान संगीतज्ञ भी हैं, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने महर्षि नारद से संगीत की विधिवत शिक्षा ली थी। उनका गायन बहुत मधुर है, जिसे सुनकर हर कोई मुग्ध हो जाता है। एक बार एक सुंदर जलाशय के पास महान संगीत सम्मेलन हो रहा था, जिसमें देवता, ऋषि और सभी संगीत प्रेमी उपस्थित थे। स्वयं भगवान शंकर और देवर्षि नारद भी गायन कर रहे थे। उसी समय पवन पुत्र हनुमान ने बहुत मधुर स्वर में गायन शुरू कर दिया। उनके गायन से मानो अमृत की वर्षा होने लगी। इसके बाद तो सभी मंत्रमुग्ध हो गए और तल्लीन होकर उन्हें सुनते ही चले गए। उन्हें अपने तन मन का भी होश नहीं रहा। ऐसा हो भी क्यों नहीं, हनुमान जी तो भक्ति के साक्षात स्वरूप हैं। संगीत शास्त्र में हनुमान जी को सर्व विद्या विशारद कहा गया है। वो वेद वेदांग और तत्व विद्या में पारंगत होने के साथ साथ एक महान कर्मयोगी और संगीत विशारद भी हैं। उनका एक नाम कलाधर भी है। वो नृत्य और गीत में भी समान रूप से पारंगत हैं। श्री राम का गुणगान करते समय जब वो नृत्य करते हैं तो एक प्रकार से सारी सृष्टि उनके साथ ताल में ताल मिलाती है। उन्होंने संगीत विद्या अपने आराध्य श्री राम को रिझाने के लिए ही सीखी। संगीत शास्त्र के ग्रंथों में हनुमान जी का मत मारुति और आंजनेय के नाम से उपलब्ध है। इनके मतों का प्रतिपादक ग्रंथ आंजनेय संहिता या हनुमत संहिता है। तजोर के राजा रघुनाथ ने अपने संगीत सुधा नामक ग्रंथ में नंदीश्वर संहिता आदि के साथ अंजना नंदन संहिता का भी उल्लेख किया है। उन्होंने अंजनेय भारतम नामक ग्रंथ का भी उल्लेख किया है। इसमें याष्टिक मुनि के प्रति आंजनेय के द्वारा गान विद्या का उपदेश दिया गया है। मध्यकाल में संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता शारंगदेव ने प्राचीन संगीताचार्यों के साथ आंजनेय का उल्लेख किया है। संगीत रत्नाकर के टीकाकार कल्लीनाथ ने देशी राग के संबंध में आंजनेय का मत व्यक्त करते हुए कहा है कि जिन रागों में श्रुति, स्वर, ग्राम, जाति आदि का नियम नहीं होता और जिन पर नाना प्रदेशों की परंपरा का प्रभाव रहता है, वे देशी राग कहलाते हैं। संगीत शास्त्र में आम तौर पर 22 श्रुतियां मानी गई हैं, लेकिन हनुमान मंत्र में 18 श्रुतियां स्वीकृत हैं। राजा रघुनाथ ने संगीत सुधा में लिखा है कि एक बार आंजनेय कदली वन में पहुंचे। वहां याष्टिक मुनि अपने दक्ष और अन्य शिष्यों को संगीत की शिक्षा दे रहे थे। देशी रागों और उनके स्वरों की श्रुतियों में शास्त्रोक्त रीति के अनुसार विपरीतता देखकर दक्ष आदि शिष्यों ने मुनि से पूछा कि 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वरों में एक स्वर की अधिक से अधिक 4 और कम से कम 2 श्रुतियां होती हैं, लेकिन देशी रागों में पंचश्रुतिक, शतश्रुतिक और सप्तश्रुतिक स्वर भी देखे जाते हैं। इन स्वरों का शास्त्रों में विरोध है, परंतु इनके प्रतित्याग से राग लाभ नहीं होता। शंका के समाधान में उन्होंने कहा कि शास्त्र विरोध तो दूर ही हो गया, राग प्राप्ति भी संभव हो गई। याष्टिक के शिष्यों की गान शैली और याष्टिक मुनि द्वारा उपदिष्ट पद्धति के अनुसार आंजनेय लक्ष्य विरुद्ध शास्त्र की रचना की गई। तंजोर के राजा रघुनाथ नायक विक्रम की 17वीं शती में हुए संगीत सुधा में जिन प्राचीन संहिताओं का उल्लेख किया है, उनमें हनुमत संहिता शामिल है। संगीत पारिजात में हनुमान जी को संगीत शास्त्र का प्रमुख प्रवर्तक माना गया है। 2 अन्य प्रवर्तक शार्दुल और काहल हैं। इसके भाष्यकार कालिंद जी के अनुसार
शिवजी ने जो संगीत शास्त्र बनाया है उसे शिवमत, भरत ने जो संगीत शास्त्र बनाया उसे भरतमत, और हनुमान जी ने जो संगीत शास्त्र बनाया है उसे हनुमंत कहा गया है। हनुमान पारिजात हनुमंत का ग्रंथ है। इसके भाष्य के मंगलाचरण में कालिंदी जी ने बहुत भावपूर्ण शब्दों में हनुमान जी का स्मरण किया है। संगीत मर्मज्ञ भाव भट्ट द्वारा रचित अनूप संगीत विलास में हनुमान जी के नाम पर अनेक संगीतालंकरों का वर्णन है। अनूप संगीत रत्नाकर के मंगलाचरण में भट्ट जी ने हनुमान जी का संगीताचार्य के रूप में स्मरण किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हनुमान जी सुप्रसिद्ध संगीताचार्य हैं। वो शास्त्रीय संगीत के प्रवर्तक और भक्ति संगीत के मूल स्रोत हैं। यह अनुभव में आया है कि जो भी व्यक्ति अभिमान से रहित होकर रामचरितमानस का संगीतमय गायन करता है उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रामायण का संगीतमय गायन करने वालों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनमें गाने या संगीत का अहंकार नहीं आए। इसके परिणाम चमत्कारिक होते हैं। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया, आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।